हेलो सर, आज हम BSc सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत यूनिट सेकेंड का आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक ओवरलेशन, अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डिस्क्राइब द वेरियस एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इट, मतलब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है और इसके फेवर में कौन कौन से एविडेंस हैं जो इसको प्रूव करने में मदद करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसका अर्थ कंटिन्यूअस चेंज होता है। यह एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे जो हमें पूरे विश्व में दिखाई देता है। यह एक ऐसा फैक्टर है जो ऐसा फैक्टर है फैक्ट है जिससे प्लांट्स व एनिमल्स में समय समय पर होने वाले परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो चेंज लिविंग वर्ल्ड में दिखते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तथा नॉन लिविंग वर्ल्ड में दिखने वाले परिवर्तन इनऑर्गेनिक या कॉस्मिक एवोल्यूशन कहलाते हैं। मतलब जो लिविंग संसार में दिखते हैं, जीवित संसार में दिखते हैं, वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जबकि जो नॉन लिविंग वर्ल्ड में दिखते हैं दिखने वाले परिवर्तन इनऑर्गेनिक या कॉस्मिक एवोल्यूशन कहलाते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की सबसे पहली परिभाषा डार्विन द्वारा बताई गई थी। मतलब सबसे पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन दी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, उसको देने का श्रेय किसको जाता है? डार्विन को। डार्विन जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन माना था। क्या माना था? द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जिससे यह ज्ञात होता है कि विभिन्न प्लांट्स व एनिमल्स जो वर्तमान में दिखते हैं वो पास्ट में पाए जाने वाले कुछ डिफरेंट प्लांट्स व एनिमल्स के मॉडिफाइड डिसेंट हैं। इवोल्यूशन का इतिहास बहुत पुराना है। इसके विषय एनपिडस तथा इपिकुरस ने 495 ईसा पूर्व बताया था। एम्पिडोक्लस को ही फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। अरिस्टोटल ने भी जीवन की ग्रेजुअली इवोल्यूशन इवॉल्विंग फॉर्म के विषय में बताया था। उन्होंने ये सुझाव दिया कि विभिन्न ऑर्गेनिज्म एक सीरीज में बनते हैं जिसे लीडर ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसमें ऑर्गेनिज्म को इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी में अरेंज किया जाता है। इवोल्यूशन के विलोचन के विषय में अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से कुछ प्रमाण प्रमुख हैं। प्रमुख निम्न हैं। नंबर 1, एविडेंसेस फ्रॉम टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी से प्रमाण। टैक्सोनॉमी से क्या प्रमाण मिले हैं? टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। मतलब टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं उसकी नेमिंग की जाती है, उनको डिस्क्राइब किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, जिससे एविडेंस मिलते हैं किसके प्रति? इवोल्यूशन के प्रति। यानी फर्स्टली कौन सा फाइला था, कौन सा किंगडम था, वो सब किससे मिलते हैं? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। टैक्सोनॉमी के आधार पर यदि किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें तो यह ज्ञात हो जाता है कि क्लासिफिकेशन के स्मॉलेस्ट यूनिट
स्पर्शीज होती है, जो क्लोजली सिमिलर इंडिविजुअल की एक ऐसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है जो अपनी मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी कॉमा एम्ब्रियोलॉजी आदि के करेक्टरिस्टिक में सिमिलर होती है तथा उनमें इंटरब्रीडिंग की क्षमता भी होती है। जिन स्पर्शीज में समान गुण होते हैं वे मिलकर जीनस बनाते हैं। इसी तरह से समान करेक्टरिस्टिक वाले जेनरा मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, समान लक्षणों वाली फैमिली मिलकर एक ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास फाइलम तथा फाइलम किंगडम बनाता है। मतलब इनका क्या कहना था कि टैक्सोनॉमी से किस तरीके से प्रमाण मिलता है, यानी कोई भी जो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वो होती है इस स्पीशीज की, यानी जो सब इस स्पीशीज होती है सबसे छोटी सब स्पीशीज से बड़ी स्पीशीज, यानी सब स्पीशीज मिलकर बनाती हैं स्पीशीज को, स्पीशीज मिलकर बनाती हैं जीनस को जिसको कि हम जेनरा बोलते हैं, और जीनस भी मिलकर बनाता है मतलब एक जीनस के अंतर्गत जो भी है एनिमल्स या प्लांट्स वो जेनरा कहलाता है, और जेनरा के अंतर्गत जो जेनरा का करैक्टर होता है वो मिलकर अन्य एनिमल्स के कुछ जेनरा होंगे एनिमल होंगे तो उनके जो करैक्टर उसके साथ मैच कर रहे हैं तो वो मिलकर बनाते हैं फैमिली को, और फैमिली जो होती है मिलकर बनाती है मतलब फैमिली के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनके करैक्टर दूसरे फैमिली के मेम्बर्स यानी दूसरे कुछ अन्य एनिमल्स या प्लांट्स के करैक्टर से मैच कर रहे होते हैं, तो ये फैमिली मिलकर एक ऑर्डर की फॉर्मेशन करती है। ऑर्डर ऑर्डर के करेक्टर क्लास से मैच करते हैं तो वो क्लास बनता है, क्लास के बाद फॉर्मेशन होती है फाइलम की, फाइलम के बाद किंगडम। यानी अगर हम एक इंसेक्ट की बात करें या एक प्लांट की बात करें तो इंसेक्ट का सबसे छोटी इकाई क्या होगी, उसकी स्पीशीज, या हम पैरामीशियम की बात कर लेते हैं, पैरामीशियम जो है पैरामीशियम का नाम होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम, तो पैरामीशियम क्या है जीनस है, कॉर्डेटम इसकी स्पीशीज है, तो जो कॉर्डेटम स्पीशीज है अगर कोई और एनिमल्स हैं जो कॉर्डेटम वाले लक्षण शो करते हैं तो उनको जो पैरामीशियम इसका जनरा हो गया तो नाम पैरामीशियम, अगर स्पीशीज के साथ में नाम मतलब करेक्टर मैच कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट है ठीक है जेनरा के अंतर्गत वो रखा जा सकता है, तो पैरामीशियम ऑरेलिया पैरामीशियम कॉर्डेटम इस तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और किंगडम की बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं सबका जो किंगडम होता है एनिमिलिया होता है, इसी प्रकार से प्लांट जितने हैं प्लांट का करेक्टर किंगडम क्या होता है प्लांटिक होता है। क्लासिफिकेशन का प्रारंभ आर्टिफिशियल सिस्टम के रूप में हुआ था लेकिन बाद में एक नेचुरल सिस्टम के रूप में देखा गया। नेचुरल सिस्टम में सिस्टम ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली नेचुरल एफिनिटीज के आधार पर किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी रिजेंबलिंग एनिमल्स की उपस्थिति किसी एक कॉमन स्टॉक से हुई है। उनमें पाए जाने वाले डिफरेंसेस इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने विभिन्न प्रकार के वातावरण के लिए अडेप्ट किया था। यदि हम सभी एनिमल्स फाइला को एक साथ देखें तो इनमें एक दूसरे से यानी हम सभी एनिमल्स फाइला की एक साथ देखें तो उनमें से एक दूसरे से कई रिलेशनशिप दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि हम उनको एक सीरीज में अरेंज करते हुए जाएं तो एक लीटर लाइक सीढ़ी जैसी आकृति बन जाती है जिसमें सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बॉटम पर तथा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म टॉप पर होते हैं। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें यानी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स की बात करें तो जो बॉटम पर है, या पूरे एनिमल किंगडम की बात करें हम तो एनिमल किंगडम में जो बॉटम पे है बिल्कुल सतह पे है कौन सा है, जो आप लोगों ने प्रश्न में पढ़ा था फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो एनिमल्स मिलते हैं वो सबसे सूक्ष्म होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। उसके बाद कौन से आए, पॉलीपेरेंस आए, सिलेंट्रेट्स आए,
मोलस्कन आए, आर्थ्रोपोड्स आए, एनलिड्स आए, उसके बाद वर्टिब्रेट की फॉर्मेशन हो गई, कार्नोडर्मेट्स आए, कार्नोडर्मेट के बाद वर्टिब्रेट की फॉर्मेशन हुई, वर्टिब्रेट ने वर्ड्स बने, रेप्टाइल्स बने, फिशेज बनी, एम्फीबियंस बने, और आज के टाइम में टॉपर कौन है? मैमल। यानी टॉप की अगर बात की जाए एनिमल किंगडम में तो मैमल्स का ग्रुप है, क्योंकि वर्टिब्रेट फाइलम के अंतर्गत आता है, वर्टिब्रेटम में आता है। और लोएस्ट में बात करें यानी बॉटम की तरफ बात करें तो बॉटम में कौन है? सबसे सिंपल टाइप के प्रोटोजोआ यानी यूनिसेलुलर जो एनिमल से वो रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम पढ़े थे जिसमें सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बॉटम पर तथा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म टॉप पर होती है। अब हम बॉटम वाले अगर हम अमीबा की बात कर लें तो अमीबा का आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल सी बॉडी हो सकती है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सी उसमें उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। और एक हम हायर एनिमल्स यानी प्राइमेट्स की बात कर लें यानी मैमल्स की बात करें, मैमल्स में ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो वो किस पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है? किसके कंपेरिजन में? अमीबा, क्योंकि फाइलम फॉर्मिफेरा का है। लेकिन दोनों ही किस किंगडम के अंतर्गत आ रहे हैं? एनिमलिया किंगडम के अंतर्गत रखे गए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि कॉम्प्लेक्स ठीक के बढ़ने के साथ साथ इवोल्यूशन होता गया। तो इससे सबसे पहले कौन था? प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, लेटी एलिमेंटी, एसके एलिमेंटी। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे उनका विकास होता गया। तो ये किस पर डिपेंड करता है? टैक्सोनॉमी से प्रमाण को डिपेंड करता है। इस प्रकार से जो भी टैक्सोनॉमिक ट्री बनाया जाता है उसमें जो ब्रांच निकलती है वो ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली इंटर रिलेशनशिप को शो करती है। ये निश्चित है कि सभी एनिमल्स की उत्पत्ति किसी न किसी एक कॉमन पूर्व से हुई होगी, जिसको कि हम मोनोफाइलेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में बस इतना ही डिस्कस करते हैं। कल हम इसके जो सेकेंड एविडेंस है, एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो उससे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।